फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अभी तक हम लोग बहुत देखे एंटरप्रेन्योर होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होते हैं। तो पहला जो डिफरेंस है वो है, एन एंटरप्रेन्योर वन हु अंडरटेक्स एंड ऑपरेट्स अ न्यू एंटरप्राइज एंड अज्यूम सम अकाउंटेबिलिटी फॉर द इनहेरेंट रिस्क। एंटरप्रेन्योर उस पर्सन को बोलते हैं जो अपना एक नया बिजनेस स्टार्टअप करने वाला हो और जो कि क्या करता है, रिस्क बियर करने के लिए कैपेबल होता है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्टिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली न्यू बिजनेस, जनरली इन रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योरशिप लेकिन एक प्रोसेस है जो आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, जब आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, अब वो जितने भी आपके पास अपॉर्चुनिटी हैं, जब आप उनको लेके उनको ग्रैब करके एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो उसके प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। और जो पर्सन उस नए बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है, एंटरप्रेन्योर इज ऑफन सिनोनिम्स विद फाउंडर। एंटरप्रेन्योर का सिनोनिम्स फाउंडर भी बोल सकते हैं, मतलब जब जो किसी चीज़ को खोजता है। तो एंटरप्रेन्योर भी हमारे क्या होते हैं, नए बिजनेस को ओपन करते हैं। ठीक है, तो उसमें अपने नए नए आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, किसी चीज़ का खोज करते हैं, किसी प्रोडक्ट, किसी गुड्स, किसी सर्विसेज का खोज करते हैं। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है वो सिनोनिम्स है किसके, फाउंडर का। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप रेंजेस इन स्केल फ्रॉम सोलो प्रोजेक्ट टू मेजर अंडरटेकिंग क्रिएटिंग मैनी जॉब अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक सोलो प्रोजेक्ट है जो कि क्या करता है, बहुत लोगों को जॉब प्रोवाइड कराता है। ठीक, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक सोलो एक्टिविटी है, सोलो प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड कराता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, द पर्सन हु स्टार्ट एंड ऑपरेट अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एन एंटरप्रेन्योर। वही पर्सन जो कि बिजनेस स्टार्ट करने वाला होता है, उसको ऑपरेट करने वाला होता है, उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है आपका, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? द प्रोसेस इन विच एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट एंड ऑपरेट इज बिजनेस एंटरप्राइज इज एंटरप्रेन्योरशिप। और जिस प्रोसेस से वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगा, ऑपरेट करेगा, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस वो है, द एंटरप्रेन्योर इज अ कोऑर्डिनेटर एज ही कोऑर्डिनेट्स ऑल द थ्री एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर एंड कैपिटल। एंटरप्रेन्योर को हम लोग कोऑर्डिनेटर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो हमारे बेसिक तीन एलिमेंट होते हैं बिजनेस के, वो उन तीनों चीज़ को कोऑर्डिनेट करके बहुत ही अच्छे से चलता है। जो तीन एलिमेंट है वो क्या है, एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, थ्री एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे लैंड, लेबर और कैपिटल। तो इन तीनों चीज़ों को वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करके चलता है। इसलिए हम लोग एंटरप्रेन्योर को कोऑर्डिनेटर भी बोल सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज द कोऑर्डिनेशन मेंटेन बाय एन एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, वही कोऑर्डिनेशन है जो कि कौन मेंटेन करता है, एंटरप्रेन्योर मेंटेन करता है। एंटरप्रेन्योर को हम लोग कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, और वो जिस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, द पर्सन हु इनोवेट समथिंग न्यू इज एन एंटरप्रेन्योर। जब कोई पर्सन किसी नए चीज़ को इनोवेट करता है, किसी नए चीज़ को बनाता है, तो उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, द इनोवेशन ऑफ समथिंग न्यू और द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन इज एंटरप्रेन्योरशिप। किसी नए चीज़ को इनोवेशन करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ही हु लीड्स एन एंटरप्राइज टूवर्ड्स इट्स विजन थ्रू लीडरशिप मोटिवेशन इज एन एंटरप्रेन्योर। एक वो पर्सन जो कि किसी बिजनेस को रन करता है इट्स विज़न, अपने विज़न से देखते हुए और लीडरशिप मोटिवेशन के साथ, ठीक है, लोगों का वो लीडर भी होता है, लीडरशिप उसके अंदर क्वालिटी भी होती है, वो लोगों को मोटिवेट भी करता है और वो जो अपने बिजनेस को रन करता है, उसी पर्सन को हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। द वे इन विच एन एंटरप्रेन्योर लीड्स हिज मैन पावर मोटिवेट्स देम फॉर द अचीवमेंट ऑफ द फर्म गोल इज एन एंटरप्रेन्योरशिप। वो तरीका जिस तरीके से एंटरप्रेन्योर क्या करता है, मैन पावर को लीड करता है, ठीक है, उनको मोटिवेट करता है, उसी तरीके को हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और वो क्यों करता है, वो फर्म के गोल्स, ऑब्जेक्टिव, एम्स को पूरा करने के लिए करता है।
He who bears risk of the firm for the sake of making a reasonable profit is an entrepreneur. वो पर्सन जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए रिस्क लेता है उसी पर्सन को हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. द रिस्क बियरिंग प्रैक्टिस दैट इज डन बाय एन एंटरप्रेन्योर इज एंटरप्रेन्योरशिप. वो जो रिस्क बियरिंग प्रैक्टिस है, ठीक है, वो जो रिस्क लेने की प्रैक्टिस करता है उसको हम लोग, जो एक एंटरप्रेन्योर रिस्क बियरिंग एक्टिविटी कर, रिस्क बियरिंग प्रैक्टिस करता है उसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. तो ये बेसिकली हमारे 7 फ्रेंड्स थे एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप में. होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू.